हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग कैसे हो? तो भाई आज की वीडियो है बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है गाइस। और इस वीडियो का टॉपिक है गाइस, हाउ टू रैंक अप। तो जीपीएल में रैंक अप करना कोई मतलब मुश्किल का काम नहीं है, बट कुछ ऐसी रैंक्स हैं जिनमें पहुंचना बहुत मुश्किल है गाइस। अगर हम बात करें रैंक 1 से लेकर रैंक 5 तक पहुंचना मतलब कोई भी पहुंच सकता है, रैंक 6 पे भी कोई भी पहुंच सकता है और रैंक 7 पे भी कोई भी पहुंच सकता है। अगर आप लोग रैंक 7 तक नहीं पहुंच पाए हो तो भैया देखो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, और अगर आप लोग रैंक 8 तक भी नहीं पहुंच पाए हो तो भी ये वीडियो आपके लिए ही है। आपको कोई भी रैंक अचीव करनी है, वीडियो आप लोगों के लिए है गाइस। तो गाइस मैं थोड़ा सा अपना बता दूँ गाइस, मैं रैंक हाईएस्ट 8 तक गया हूँ गाइस, जिसमें कि रेटिंग मेरी 2200-2300 तक गई थी। उसके बाद सीज़न ख़त्म हो गया था और हवाबाजी करने लग गया था, उससे फिर रेटिंग और गिर गई थी। तो बात करते हैं गाइस, यहाँ पर हम लोग 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे गाइस, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है गाइस कि हमें रैंक बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है गाइस वो है लेवल अप। तो गाइस लेवल अप बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि अगर आप में से बहुत सारे प्लेयर ऐसे होंगे जिनका लेवल कम होगा और उनके पोकेमॉन्स ना तो 1500 के हो पा रहे हैं, ना 2500 के हो पा रहे हैं, और ना ही मास्टर लीग में बड़े हो पा रहे हैं गाइस, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन हैं जो आप यूज़ करना चाहते हो बट यूज़ नहीं कर पाते हो क्योंकि उनकी सीपी कम है। सीपी कैसे बढ़ती है? सीपी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल है गाइस। आपका जो लेवल है उसके ऊपर वो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गाइस। तो गाइस जैसे कि मैं बता देता हूँ, मेरा लेवल 38 है, तो मैंने ड्रैगनाइट को फुल कर दिया है, फुल सीपी हो गई गाइस। गैराडोस की फुल सीपी हो गई। ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन हैं जो कि आपके लेवल बढ़ते हैं उनके साथ साथ उनका भी लेवल बढ़ता है गाइस। तो पॉइंट नंबर 1 गाइस एक बहुत बड़ा पॉइंट है लेवल अप करना, जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप पक्का देख लेना गाइस, ठीक है, अगर अभी तक नहीं देखी है तो गाइस वो वीडियो अभी मत देखना, लास्ट में देखना सारी वीडियोज एक साथ। तो चलते हैं गाइस पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 2 पे मतलब स्पेशली मतलब मेरा मतलब बहुत दिल के क्लोज है गाइस, क्योंकि मेरी स्टारडस्ट आप लोगों ने देख रखी होगी, नहीं देख रखी तो देख लो आगे बहुत सारी वीडियोस में। तो मेरी स्टारडस्ट का एक मिशन होता है गाइस, जो कि मतलब रात में 12 बजे से लेके शायद से 2 बजे तक या फिर 1 बजे चलता है गाइस। तो उसमें क्या होता है गाइस, मैं खेलता हूँ पीवीपी बैटल्स खेलता हूँ, मतलब पीवीपी नहीं गो बैटल्स खेलता हूँ। तो वहाँ पर क्या नए नए पोकेमॉन्स ट्राई करता हूँ गाइस, तो उन नए नए पोकेमॉन ट्राई करने के चक्कर में मैं उनके नए नए मूव सेट्स नया नया चीज़ें ट्राई करने के चक्कर में मैं स्टारडस्ट बहुत ज़्यादा फूंक देता हूँ गाइस। तो गाइस आज ऐसी कंडीशन है कि मैं कोई भी पोकेमॉन पावर अप करके किसी भी लीग में खड़ा हो सकता हूँ, बट मेरे पास एक दिक्कत है, मेरे पास स्टारडस्ट नहीं है गाइस। तो गाइस अगर आप लोगों को स्टारडस्ट बनानी है तो उसके लिए मैंने आई बटन आपके लिए तैयार कर रखा है, बाद में देख लेना, अभी मत देखना गाइस। तो गाइस स्टारडस्ट का यूज़ क्या, सबसे पहली बात आती है गाइस। सो गाइस सबसे पहली बात है स्टारडस्ट काम आती है पावर अप करने में। आपको कोई पोकेमॉन पावर अप करना है, चलो ग्रेट लीग तक आप पावर अप कर लोगे, बट गाइस हर लीग के जो स्पेसिफिक पोकेमॉन है उनको वहाँ तक ले जाने में स्पेसिफिक स्टारडस्ट लगती है गाइस। कुछ पोकेमॉन ऐसे हैं जो कि सिर्फ ग्रेट लीग में अच्छा खेलते हैं, अल्ट्रा लीग में अच्छा खेलते हैं, मास्टर लीग में अच्छा खेलते हैं, तो उन लोगों को उस रेंज पर ले जाने के लिए एक अच्छी अमाउंट की स्टारडस्ट लगती है गाइस। प्लस अगर आपका कोई पोकेमॉन है जिसके आपके अटैक्स ओपन करने हैं तो वहाँ पर एक अलग ही मतलब लेवल की स्टारडस्ट लग रही है गाइज, तो देख लेना गाइज स्टारडस्ट कैसे मतलब करनी है वो आपको बता दूंगा गाइज। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 मतलब इतना बेसिक है कि ये सबको करना है गाइज। पॉइंट 3 पे आते हैं गाइज, बहुत जल्दी जल्दी पॉइंट कवर कर रहा हूँ गाइज। पॉइंट 3 गाइज आईवीज और बेस्ट मूव सेट। तो बोलोगे प्रवीण भैया तीनों के तीनों पॉइंट में बहुत गंदा हगा है आपने, तो गाइज ये हगने वाली बात नहीं है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। तो आईवीज के ऊपर कंट्रोल अपना नहीं है बट बेस्ट मूव सेट के ऊपर अपना कंट्रोल है। तो आईवीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ उन्हीं पोकेमॉन को पावर अप करेंगे या फिर उनके बेस्ट मूव सेट लगाएंगे जिनकी आईवीज अच्छी हो। अच्छी मतलब होता है 80 प्लस आईवीज होनी चाहिए गाइस, ठीक है। तो बेस्ट मूव सेट क्या होने चाहिए उनके ऊपर मैंने वीडियोस क्या प्लेलिस्ट है पूरी वो चेक कर लेना गाइस। सो गाइस बेस्ट मूव सेट एक ऐसा वरदान है जो कि आपको गेम खेलने में मजा दिलाता है गाइस। आप पीवीपी खेल रहे हो, आप जीतोगे तभी मजा आएगा, अगर आप हारोगे तो आप गेम डिलीट कर सकते हो, ठीक है, या फिर मेरे ऊपर केस कर सकते हो कि ये साला प्रवीण है ये गेम खिलवाता रहता है और हम डेली हार रहे हैं। तो गाइस बेस्ट मूव सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिना मतलब क्या करोगे गेम में, क्या करोगे यार।
तो गाइस बात ऐसी है, देखो जब भी हम लोग हर सीजन में एक नया पोकेमोन ऊपर आता है गाइस, तो वो कैसे आता है वो आपको पता है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। अगर हम सीजन वन की बात करें तो गिराटिना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था गाइस, बहुत ही ज़्यादा। बट सीजन टू की बात करें तो गिराटिना की तोड़ आ चुकी थी, वो थी क्रिसीलिया। तो हर सीजन में ऐसे ही कोई ना कोई पोकेमोन ऊपर आता रहता है। अभी देखो मेटाग्रोस चल रहा है गाइस, क्यों चल रहा है मुझे नहीं पता, बट मेटाग्रोस चल रहा है। लैपरास भी बहुत चला था गाइस। तो हर पोकेमोन हर सीजन में ऊपर आता रहता है गाइस। और अगर आप बात करें तो भी आजकल ग्रेट लीग में स्क्रैगी की रैंक 2 हो चुकी है, इतना मतलब यूज़ होने लग गया है वो। तो ये सब क्यों यूज़ हो रहे हैं गाइस, इनके पीछे एक ही रीज़न है, बेस्ट मूव सेट। जो मूव सेट्स होते हैं गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं गाइस पॉइंट 4 की तरफ। तो पॉइंट 4 गाइस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो उसको ध्यान से सुनना है गाइस। पॉइंट 4 है कीप अ सेफ स्वैप। तो स्वैप क्या होता है गाइस, एक ऐसा पोकेमोन जिसको आप स्वैप कर सकते हो। मतलब सपोज आपके पास ड्रैगनाइट है और सामने आ गया एग्रोन, तो एग्रोन का जो रॉक थ्रो अटैक है, जो स्मैकडाउन अटैक है गाइस, वो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। बट अगर आपके पास कोई सेफ स्वैप नहीं है, कोई ऐसा पोकेमोन नहीं है जो कि मतलब सेफ रहेगा जिसको लाना, तो आप वहाँ पर हार जाओगे गाइस। तो गाइस सपोज आपके पास स्नोरलैक्स, आप स्नोरलैक्स लेके आ गए, ठीक है। तो गाइस ऐसा हुआ कि जो सामने वाला बंदा है उसके पास भी ऑप्शन है स्वैप करने का। तो गाइस आपके पास एक ऐसा पोकेमोन होना चाहिए जो कि उस अटैक को झेल भी ले, प्लस अगला कोई पोकेमोन आने वाला है उसको भी झेल सके। मतलब उसकी मतलब एक अच्छी मतलब कंडीशन होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं स्वैप, सेफ स्वैप। तो जैसे कि हम लोग बात करें ग्रेट लीग में, तो ग्रेट लीग में बहुत सारे सेफ स्वैप हैं गाइस। जैसे मंचलैक्स हो गया गाइस, ठीक है, आजूमरिल हो गया, अम्ब्रियन हो गया, ये सब मतलब बहुत बल्कि पोकेमोन है। वहीं पर अल्ट्रा लीग की बात करें गाइस, तो आपका लैपरास हो गया, स्नोरलैक्स हो गया, ये सब पोकेमोन है जो कि मतलब बहुत सारे अटैक झेल लेते हैं क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी है दो दो पोकेमोन्स की। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मास्टर लीग की गाइस, तो वहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा मतलब स्नोरलैक्स ही है गाइस। स्नोरलैक्स हो गया, गैराडोस हो गया, ये सब मतलब पोकेमोन बल्कि हैं गाइस। इनका डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छा है गाइस। तो गाइस अब लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस पॉइंट नंबर 4 की ही तरह। बट जो पॉइंट 5 की बात कुछ ऐसी है कि ये पॉइंट आपको जनरेट करना पड़ेगा अपने अंदर। तो ये है प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। आपको प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे गाइस, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि आप जो पोकेमोन यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या वीकनेस है, क्या उसके मतलब कौन सा अटैक झेल सकता है, कौन सा अटैक नहीं झेल सकता है, कब शील्ड यूज़ करनी है, कब पोकेमोन स्वैप करना है, कब सामने वाले का चार्ज मूव आने वाला है, आपके अंदर प्रेडिक्शन पावर जब भी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे गाइस। आपको टीम मतलब कोई एक टीम लेके नहीं चलना है, आपको टीम चेंज करते रहना गाइस। आपको पता है ना कि मतलब अगर आपको आगे बढ़ना है तो चेंजेस लाने पड़ते हैं गाइस। तो वो यही है, मतलब आपको रैंक अप करनी है तो चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आप एक टीम लेके आगे बढ़ोगे तो आप कुछ दिन चलोगे गाइस। 5 में से 3 मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। रैंक अप करने के लिए 5 में से मिनिमम 3 मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप जैसे आज 5 सेट खेल रहे हो गाइस, 5 सेट में से आपको 2 सेट ऐसे ज़रूर खेलने हैं जिसमें कि आप 4 या 5 मैच जीतने ही जीतने हैं। और अगर आप 3 मैच नहीं जीत पा रहे हो तो आप रैंक अप नहीं कर पाओगे। आपको वो दिन रेस्ट करना है, आपको वो दिन एक्सपेरिमेंट करना कि मैं कौन सा पोकेमोन यूज़ करूँ, आपको रिसर्च करनी है। तो गाइस सीज़न जो लास्ट सीज़न था गाइस, उसमें मैं रैंक 7 पे आया था अल्ट्रा लीग की एंडिंग में गाइस। मतलब मैंने जो सीज़न लास्ट था गाइस वो मैंने खेला ही नहीं था गाइस। मैंने ग्रेट लीग खेली नहीं, अल्ट्रा लीग खेलना शुरू किया तो उसमें मैं रैंक 7 पे आ गया। उससे पहले वाले में मेरी रैंक अच्छी थी, रेटिंग अच्छी थी, मैं 1900 पे था, तो मैं तुरंत ही रैंक 8 पे आ गया था। तो पिछला सीज़न में खेला नहीं गाइस, और इस सीज़न में मैंने खेला तो मैं रैंक 7 पे आ चुका हूँ, और अब मैं रैंक 8 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे गाइस। देखते हैं कितना आगे जाते हैं, कितना गिरते हैं गाइस, क्योंकि हमारी सिर्फ अभी एक ही कमज़ोरी है, वो है स्टार डस्ट। और एक्सपेरिमेंट्स तो हमें करते रहना है गाइस, क्योंकि कोई भी प्लेयर ले लो, कोई भी टॉप प्लेयर ले लो गाइस, हमारे कमेंट में देखना बहुत सारे धुरंधर निकलने वाले हैं गाइस, जो बोलेंगे अरे यार प्रवीण क्या वीडियो बनाई है, सबको पता है सब बातें। तो गाइस उन धुरंधरों से बचना है गाइस, उन कमेंटों को इग्नोर करना है, क्योंकि मुझे पता है गाइस, मुझे पता अंदर की बात क्या है। मुझे कमेंट्स आते हैं, मुझे मैसेज आते हैं, मुझे DMs आते हैं गाइस, मुझे पता रहता है। तो
ये वीडियो आप लोगों के लिए थी गाइस। और अगर आपको इस वीडियो में हेल्प मिली या ना मिली वो अलग बात है, बट अगर आप ये 5 पॉइंट फॉलो करते हो तो भैया जिंदगी ग्रेट GBL में आपका एक अच्छा लेवल हो जाएगा गाइस। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी गाइस, लेवल अप, स्टार डस्ट, बेस्ट मूव सेट, IVs, आपका एक टीम में एक ऐसा पोकेमोन जो कि मतलब एक दीवार बन के खड़ा हो जाए कि बस ना जीतूंगा ना जीतने दूंगा, टाइम अप कर दूंगा, ऐसा पोकेमोन हो तो मतलब मज़ा आ जाएगा, है ना। तो ये सब करना है आपको, प्रैक्टिस तो है। तो गाइस लास्ट में एक बोनस पॉइंट दे रहा हूँ। बोनस पॉइंट गाइस ये है, ये पॉइंट मतलब आप लोग फॉलो नहीं करते हो, बट ये पॉइंट अगर आप फॉलो कर लोगे तो ज़िंदगी में मतलब मेरा बहुत सपोर्ट होगा। ये 5 पॉइंट आपके लिए थे, ये 6ठा पॉइंट हमारे लिए गाइस, इस चैनल के लिए गाइस। और वो ये गाइस, सब्सक्राइब करो, और गाइस डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक हैं, उनको फॉलो करो। और इस बार शायद से मैं बहुत सारे वीडियो के लिंक भी डालूंगा, तो जो मैंने आई बटन में वीडियो लगाई है वो तो मैं ऊपर लगाऊंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप वो वीडियोस देख लें गाइस, है ना, आपको हेल्प मिलेगी। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग, हैव अ नाइस डे गाइस। और एक बार देख लो, इसमें मैंने रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर लिए, क्या लेवल बनता है मतलब अभी लेवल रैंक 8 नहीं होगी, बट फिर भी अपन ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, और अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार देना मेरा, बाय बाय गाइज़।